हेलो एवरीवन, वेलकम टू जान की स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचटी एडमिशन नोटिफिकेशन में मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसके टेस्ट को हम पेट के नाम से जानते हैं, पीईटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और 2020 का ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं आपकी, और उसके साथ साथ किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये सारा कुछ हमने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 18th of March। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको जाना है thedynamicstudy.com पे, उसके बाद आपको पीएचटी एडमिशन पे क्लिक करना है। आफ्टर दिस देयर इज दिस नोटिफिकेशन इज हियर, मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज पेट, और यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एजुकेशन और लॉ भी दिया हुआ है, और आपकी फैकल्टीज ऑफ आर्ट के लिए ही आर्ट के सारे सब्जेक्ट्स हैं, फाइन आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो ऑलमोस्ट आपके सारे ही यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हैं। तो मतलब आर्ट के साथ साथ आपके फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से भी यहाँ पर एडमिशन्स हैं, आपके एडमिशन्स अवेलेबल हैं। तो कब से स्टार्ट हुआ है ये, 27th of Feb से इन्होंने स्टार्ट किया है, लास्ट डेट है आपकी 18th of March। लास्ट डेट के लिए मत रखिएगा, जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके टोटल में, और अगर आपने गेट, सेट, नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास CSIR है, UGC है, ICAR, नेट, कोई भी नेट आपने अगर दिया हुआ है इंडिया लेवल का, पूरे नेशनल लेवल का, तो आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने मेंशन की है। फीस कितनी है, नॉन रिफंडेबल फीस होगी, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है स्टार्टिंग में जो पे करना होता है। ओपन कैटेगरी के लिए मतलब जनरल वालों के लिए 1000 है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो सारी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर प्रोवाइड है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये आपकी साइट ओपन हो गई है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। ये देखिए, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो इन्होंने नोटिफिकेशन प्रोवाइड की है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा अगर मैं वेबसाइट की बात करूं कि कहां से आपको अप्लाई करना है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाती है मुंबई यूनिवर्सिटी की। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आपको अप्लाई करना है। तो ये आपकी डिटेल्स थी सारी, आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।